गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग जो है फिर प्लांट रिप्रोडक्शंस का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आज जिसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे पोलिनेशन, परागण के बारे में पढ़ेंगे, और परागण के बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, भ्रूण पोष पढ़ेंगे, इसी में फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे। तीन टॉपिक आज हम पढ़ने के लिए सोचे हम लोग कि इसमें हम लोग पढ़ें, और इस पढ़ने के लिए आप लोगों के पास जो है जो भी हम वीडियो शेयर कर रहे हैं आप लोग के बीच लाभ पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप लोग जो है शेयर करें निश्चित, और इसको लाइक भी करें, और फिर उसके बाद जो है सब्सक्राइब करें आप लोग, जिससे मैं आपके पास इस लॉकडाउन में आपके पास जो अच्छी से अच्छी वीडियो मैं पहुंचा सकूं और आपको फ़ायदा पहुंचा सकूं। इसका नोट्स मैं जो है व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ, और फिर आप लोग लिख लीजिएगा, और ज़्यादा आप जो इस बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से इसको याद करना है, किस प्रकार से पढ़ना है हम लोगों को इस लॉकडाउन में। चलिए हम लोग जो है इसमें बात करते हैं, सबसे पहले पोलिनेशन पर, परागण पर। परागण जो है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परागण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो डेफिनेशंस जाने हम लोग। सबसे पहले जानते हैं पराग कण के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। दूसरा परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि अब परागण, पराग कण का निर्माण कहाँ होता है, तो पराग कण का निर्माण जो होता है वो हम लोग पढ़े होंगे कि एंथर में होता है, और एंथर से कहाँ पर जाना है उसको, स्टिग्मा पर जाना है, वर्तिकाग्र पर उसको जाना है। तो एंथर से मतलब स्टिग्मा पर पराग कण का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स नहीं, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा बोलते हैं हम लोग, पढ़े हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, यहाँ पर पहुँचता है और क्या होता है इसमें विकसित होती है। तो इसका परिभाषा, इसी प्रक्रिया को हम लोग तो परागण कहते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा से इसको बोलेंगे और थोड़ा सा और डेफिनेशन बोलेंगे किस प्रकार से, कि पराग कण का स्थानांतरण, पराग कण का स्थानांतरण पराग कोष से वर्तिकाग्र तक कुछ बाह्य कारकों द्वारा, हवा, कीट पतंग नहीं, इंसेक्ट्स, एयर, वाटर इत्यादि द्वारा होता है। इस घटना को, दिस फेनोमेनन को अब क्या कहते हैं हम लोग, परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, एक स्व परागण होता है और दूसरा पर परागण होता है। तो दोनों में अलग अलग, देखिए परागण में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि परागण किस प्रकार से होता है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि परागण जो है, अगर परागण का क्वेश्चन पूछा गया परागण के बारे में वर्णन करें, डिस्क्राइब द पोलिनेशन, तो आप लोग क्या कीजिएगा, परागण लिखिएगा, स्व परागण लिखिएगा, पर परागण लिखिएगा, दोनों का डिस्क्राइब हल्का हल्का करना पड़ेगा, तब 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं, या आपको इसी में से अंदर CBSE बोर्ड में अंदर से ही क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह मार्क्स बांटे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि स्व परागण, पहले हम लोग जानेंगे स्व परागण। हो सकता है कि सिर्फ स्व परागण के बारे में ही पूछ दे, डिस्क्राइब द सेल पोलिनेशन, तो ये भी पूछा जाता है, या डिस्क्राइब द क्रॉस पोलिनेशन। तो परागण दो प्रकार के होते हैं, स्व परागण और पर परागण। तो पहले आते हैं स्व परागण पर। स्व परागण का मतलब है कि अपने में ही परागण की प्रक्रिया होना, मतलब अपने में, मतलब सेम पौधा पर। स्व परागण की प्रक्रिया किसे कहेंगे, हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक ही पौधा में पराग कण का स्थानांतरण पराग कोष से वर्तिकाग्र तक होता है, इस प्रक्रिया को स्व परागण कहते हैं। स्व परागण दो प्रकार के हो जाते हैं, देखिए एक प्लांट हो गया, इस प्लांट्स में ये फ्लावर लगे हुए हैं, नहीं यहाँ पर भी देखिए इस प्लांट्स में और भी फ्लावर लगे हुए हैं इस प्रकार से, तो स्व परागण में क्या कहलाएगा कि स्व परागण में एक ही पौधा में होगा, सेम प्लांट्स में होगा, मतलब एक ही पौधा का मतलब हुआ सेम प्लांट्स, मतलब सेम ही प्लांट में, सेम प्लांट में अगर होगा तो उसी को स्व परागण कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक ही पौधे में हुआ, इसको हम कहेंगे एक ही फ्लावर में हो रहा है तो ऑटोगैमी कहेंगे, और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो जीटोनोगैमी कहते हैं, जीटोनोगैमी कहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार का लिखा, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। कहने का सेंस क्या है कि ऑटोगैमी में मतलब पराग कण का स्थानांतरण एक ही फूल में पराग कोष से वर्तिकाग्र तक होता है तो उसे हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं, लेकिन उसी में हम लोग क्या कहेंगे, पराग कण का स्थानांतरण एक ही पौधा के एक फूल से दूसरे फूल में,
बाह्य कारक द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जिटेनोगैमी कहते हैं। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होगा तो जिटेनोगैमी, अगर सेम फ्लावर में होगा तो हम लोग ऑटोगैमी। सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा तो जिटेनोगैमी। कोई क्लियर यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में। तब उसके बाद क्या लिखिएगा परीक्षा में, उसके बाद लिखिएगा कंडीशन ऑफ सेम पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण की शर्तें। तो स्वपरागण की शर्तें निम्न होती हैं, पहला होमोगैमी, क्लिस्ट्रोगैमी, बर्ड पोलिनेशन, मतलब सेल्फ पोलिनेशन ही हो। नहीं, ये बात देखने वाली बात है कि सिर्फ स्वपरागण की प्रक्रिया ही हो तो कैसे होगी स्वपरागण की प्रक्रिया, कब होगी, नहीं कि स्वपरागण किस फ्लावर में होगी, तो समकालपक्वता, होमो माने समकालपक्वता। तो समकालपक्वता का मतलब क्या हुआ कि फ्लावर्स में जो नर भाग है, मादा भाग है, मेल पार्ट एवं फीमेल पार्ट एक ही समय में परिपक्व होता है उसे समकालपक्वता कहते हैं। नर भाग एवं मादा भाग एक ही समय में परिपक्व होता है उसे क्या कहेंगे, समकालपक्वता कहते हैं। उसमें बेंडिंग भी होती है, उसमें वृद्धि भी होती है, और उसके फ्लावर्स में नर मादा भाग में जिसके चलते दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो निश्चित है कि स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। होमोगैमी क्या देगा, स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी फ्लावर कहते हैं बंद फ्लावर को। इस प्रकार के फ्लावर्स बंद होते हैं क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स में, जिसमें मेल पार्ट एवं फीमेल पार्ट फ्लावर के अंदर ही होते हैं एवं स्वपरागण की प्रक्रिया होती है क्लिस्टोगैमी फ्लावर में। इसी से उल्टा पूछता है परीक्षा में कि क्लिस्टोगैमी एवं कैजोगैमस फ्लावर्स, एक और आता है कौन फ्लावर, कैजोगैमस फ्लावर, कैजमोगैमस फ्लावर। कैजमोगैमस फ्लावर्स का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये फ्लावर खुला होता है तो इसमें स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर स्वपरागण कब हो सकता है कि दोनों एक ही समय में, नर भाग एवं मादा भाग दोनों एक ही समय में परिपक्व कर जाएगा, नर भाग है मादा भाग है दोनों एक समय में परिपक्व कर जाए तो निश्चित है कि थोड़ा भी हिलेगा डुलेगा तो स्वपरागण की प्रक्रिया घटना घट सकती है। तो दोनों होगा कैजोगैमस फ्लावर में, ये खुला हुआ फ्लावर्स हैं और ये कौन फ्लावर्स हैं जी, ये जो है बंद फ्लावर होते हैं। मतलब जो है होमोगैमी का एग्जांपल हम लोग बता रहे थे आप लोगों को कि फोर ओ क्लॉक प्लांट इसमें इसका एग्जांपल होता है। कौन प्लांट होता है जी, तो फोर ओ क्लॉक प्लांट, मीराबिलिस प्लांट, इसमें मीराबिलिस प्लांट आता है, केथारेंथस प्लांट आता है, दूसरा क्या हो जाता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या आता है कि इस फ्लावर्स में जो है क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स में ऑक्जेलिस आता है, बालसम आता है, कॉमलिना आता है। तो देखिए क्लिस्टोगैमी का मतलब ऑक्जेलिस है या क्लिस्टो, तो दोनों होता है, कॉमलिना में दोनों होता है। कहने का सेंस क्या है, उसमें कैजोगैमस भी होगा और क्लिस्टोगैमी भी होगा। तीसरा होता है बर्ड पोलिनेशन, फ्लावर के खिलने के पहले ही बर्ड के अंदर मेल पार्ट एवं फीमेल पार्ट परिपक्व हो जाता है एवं स्वपरागण की प्रक्रिया करती है, दैट इज द बर्ड पोलिनेशन। इसी को हम लोग कहते हैं बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशंस में भी हम लोग दे सकते हैं जैसे पी है, वीट है, राइस है, इसमें भी बर्ड पोलिनेशन होता है। पी वीट राइस में क्या होता है, बर्ड पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है, स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। अब एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, अब अगला क्या लिखेंगे हम लोग, स्वपरागण से लाभ, लाभ इसका क्या होगा, स्वपरागण का लाभ, लाभ क्या होगा इसके बारे में हम लोगों को जानना होगा कि स्वपरागण का लाभ क्या होगा। तो स्वपरागण से लाभ निम्न होते हैं, मतलब एक ही प्लांट से हो रहा है तो बार बार कह रहे हैं कि यह शुद्धता को कायम रखता है, यह शुद्धता को मेंटेन रखता है इसमें। दूसरा, इट मेंटेन द प्योरिटी। सेकेंड, इसमें पॉलन ग्रेन नष्ट नहीं होते हैं, स्वपरागण है, ज्यादा पोलन नहीं हो, उड़कर नहीं जाना है कहीं पर, कीट पतंग कहीं नहीं ले जा रहे हैं, तो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसमें, स्व पोलन ग्रेन नष्ट नहीं होते। लक्षणों का स्थानांतरण भी इसमें होता है, इसमें स्वपरागण। इस प्रकार से स्वपरागण के बारे में लिखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्रॉस पोलिनेशन के बारे में लिखेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, तो पर परागण किसे कहेंगे कि परागकण का स्थानांतरण एक पौधा से दूसरे पौधा में, एक ही जाति के विभिन्न फूलों में बाह्य कारक द्वारा होता है,
विभिन्न फूलों में, एक ही जाति के विभिन्न पौधों में, विभिन्न पौधों के विभिन्न फूलों में परागकण का हस्तांतरण होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, कौन प्रक्रिया कहेंगे, पर परागण कहते हैं। हम लोग पर परागण पढ़ रहे हैं, तो पर परागण का टॉपिक पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, पर परागण डेफिनेशन लिखेंगे। पहले आइए फिगर से देखते हैं कि इस प्रकार से कि मतलब अगर रेड रोज है, अगर लाल गुलाब का फूल है, रेड रोज है, तो रेड रोज दोनों रहना चाहिए, मतलब एक ही जाति के, मतलब डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पेसिस, एक ही जाति के विभिन्न पौधों में, विभिन्न पौधों में फूलों के बीच परागकण का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग पर परागण कहते हैं। पर परागण को हम लोग जीनोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीनोगैमी भी कहते हैं। और जीनोगैमी की तो हो गया आपका कि पर परागण किसे कहते हैं कि एक ही जाति के होना चाहिए फ्लावर, जैसे रेड रोज है तो ये भी रेड रोज रहेगा, और उसमें क्या होगा कि एक ही जाति के विभिन्न पौधा हो गया, नहीं, जैसे आप देखे हुए अगर जर्दा आम है तो जर्दा आम में ही जाएगा, मालदेव आम में उसका परागण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसलिए जिसमें परागण की प्रक्रिया होगी वही पौधा सेम रहना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि एक ही जाति के विभिन्न पौधों में परागकण का स्थानांतरण होता है तो पर परागण कहते हैं। दूसरा क्या है कि पर परागण को ही जीनोगैमी कहते हैं, और जीनोगैमी को एक और बात यहां पर देखिए कि जीनोगैमी को एक साथ हम लोग एलोगैमी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एलोगैमी कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े कंडीशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का जो है शर्त क्या क्या है, क्रॉस पोलिनेशन का पर परागण की शर्त जो है क्या क्या होते हैं, तब इसके बारे में लिखेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे डाइक्लिनी, यूनिसेक्सुअलिटी किसे कहते हैं? इसमें देखिएगा कि कुछ पौधे जो हैं एक लिंगी होते हैं, नर पौधा एवं मादा पौधा अलग अलग होते हैं, इसमें निश्चित है कि पर परागण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि एक ही पौधा में नर एवं मादा अलग अलग, जैसे पपीता में देखिएगा कि ये डाइक्लिनिक कंडीशन शो करेगा और निश्चित है कि पर परागण की प्रक्रिया ही होगी, इस बात को हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या हम लोग देखेंगे डाइक्लिनिक के बाद? दूसरा हम लोग देखेंगे डाइकोगैमी, इसका कंडीशन होगा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या हो गया कि भाई विषम कालपक्ता, ये तो लग रहा है एक लिंगता, ऊपर वाला हो जाएगा एक लिंगता या एक लिंगिता कह सकते हैं, एक लिंगी कह सकते हैं, ये में कहेंगे विषम कालपक्ता में क्या होगा कि फ्लावर का मादा भाग एवं नर भाग विभिन्न समय में परिपक्व होता है, एक ही समय परिपक्व होता तो हो जाता स्व परागण, विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो क्या हो जाएगा विषम कालपक्ता कहेंगे, इसमें निश्चित है कि पर परागण की प्रक्रिया होती है। यह दो प्रकार का हो जाएगा, ये कौन कौन दो प्रकार का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोटेंडरी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रोटोगाइनी। अब देखिए प्रो माने पहले तो प्रोटेंडरी का मतलब हुआ कि सबसे पहले, एंड्रोसियम मतलब नर भाग, तो फ्लावर में नर भाग पहले परिपक्व करता है उसे प्रोटेंडरी हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रोटेंडरी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा सनफ्लावर एवं सालविया में प्रोटेंडरी कंडीशन होगा कि मतलब मेल भाग फ्लावर में पहले मैच्योर कर जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा प्रोटोगाइनी, फ्लावर में क्या करेंगे जी, इसमें जो है गाइनेंशियम भाग जो है पहले जो है इसमें मैच्योर करेगा, फ्लावर का मादा भाग जो है इसमें पहले मैच्योर कर जाएगा, उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। इसमें आ जाएगा 4 o'clock प्लांट, और आ जाएगा इसमें ग्लोरियोसा भी आता है, तो प्लांट ग्लोरियोसा
तो इस प्रकार से प्लांट का नाम इसमें आता है प्रोटोगनी विषम कालपक्वता में, इस प्रकार से विषम कालपक्वता होगा। तीसरा कंडीशन इसका होगा हेटरोस्टाइली, तीसरा कंडीशन होगा हेटरोस्टाइली। इसमें क्या होगा कि फ्लावर का मेल भाग एवं फीमेल भाग, मादा भाग एवं नर भाग दोनों भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, उसी को हेटरोस्टाइली हम लोग कहते हैं। हेटरोस्टाइली में आ जाएगा जस्मीन प्लांट्स, प्राइम रोज आ जाएगा, इसमें एग्जांपल आता है जस्मीन प्लांट। तो हेटरोस्टाइली में भी पर परागण की प्रक्रिया होती है। फोर्थ आ जाएगा हर्कोगैमी क्या होता है कि प्राकृतिक अवरोध के कारण क्या होगा, पर परागण की प्रक्रिया होती है, इसके हम लोग क्या कहते हैं, हर्कोगैमी कहते हैं। इसमें हर्कोगैमी में क्या हो जाएगा, मदार का पौधा देखे हुइएगा, इसके दो अकवन का पौधा आप लोग कहते हैं, दूध जो इसके जो है आँख से पड़ने से क्या होता है, उसका जो है अंधा हो जाता है, उसी मदार पौधा को हम लोग देखेंगे उसका पोलिनियम फॉर्म करता है ऑफ कैलोट्रॉपिस, मदार का पौधा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है मदार के पौधा में किस प्रकार से उसका पोलन ग्रेन रहता है, उसको हम लोग पोलिनियम कहते हैं। देखिए इसमें एक सैक बना रहेगा, इस सैक में जो है पोलन ग्रेन जो है प्रेजेंट रहते हैं, इस सैक में, ये सैक में पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, तो ये पोलन सैक हो गया अंदर वाला। इस पोलन सैक जब फटेगा तो फटने के बाद पोलन ग्रेन निकलेगा, तो इसमें क्या होगा कि निश्चित है कि कब किसका फटेगा, तो पर परागण की प्रक्रिया होने की चांस बनती है। तो ये भी पर परागण की शर्त हो गया। पांचवा हो गया सेल्फ स्टरिलिटी, ये पांचवा में हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ स्टरिलिटी। सेल्फ स्टरिलिटी का मतलब हो गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कहने का मतलब क्या होगा, कुछ फ्लावर में क्या होते हैं परागकण अपने ही वर्तिकाग पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते हैं, उसे सेल्फ स्टरिलिटी कहते हैं। कौन कहते हैं उसे हम लोग, ये सेल्फ स्टरिलिटी कहते हैं। जैसे टोबैको प्लांट है, पोटैटो प्लांट है, इसमें जो है टोबैको एवं पोटैटो प्लांट में सेल्फ स्टरिलिटी जो है क्या होती है, नहीं होती है। इस प्रकार से आएगा इसका जो है कंडीशंस आएंगे। तब इसी के उल्टा एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, जब एडवांटेज चलेंगे क्रॉस पोलिनेशन का, सेल्फ पोलिनेशन का था, तो सेल्फ पोलिनेशन के ठीक उल्टा चलेगा, इसमें शुद्धता नहीं रहेगी। इसमें शुद्धता क्या रहेगी जी, नहीं पाई जाती है, इसमें पोलन ग्रेन की आवश्यकता अधिक होती है। दूसरा, इसमें नए लक्षणों का स्थानांतरण होता है, नए लक्षणों का स्थानांतरण होता है। न्यू कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, प्यूरिटी डेवलप कर जाता है, इसमें नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। पांचवा आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड पौधा ज़्यादा बनेंगे, इसमें नए नए पौधे बनेंगे, तो नए नए कैरेक्टर बनेंगे, तो उसका कैरेक्टर मेल पार्ट से भी आएगा, फीमेल पार्ट से भी आएगा, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पोलिनेशन में तो एक ही फ्लावर में रहेंगे, तो उसमें ज़्यादा नए लक्षणों का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें नए लक्षणों का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से हम लोग जो देखते हैं यूजफुल वेरिएशंस भी हम लोग इसमें देखते हैं। ये सब आपका जो है लिखिएगा किसमें, क्रॉस पोलिनेशन में, दोनों को मिलाकर लिखना होगा, तो थोड़ा थोड़ा सब करके लिखना होगा, ठीक। इसका अगला टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है, हम लोगों को देखना है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में निषेचन में किसे कहते हैं, आप पढ़े होइएगा कि भाई मेल गैमिट, नर युग्मक एवं मादा युग्मक, फीमेल गैमिट के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो मेल गैमिट क्या होगा, हैप्लॉयड, फीमेल गैमिट हैप्लॉयड, जाइगोट डिप्लॉयड, इस प्रकार की प्रक्रिया से मिलने से बन रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट बन रहा है, तो हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन का अध्ययन जो है स्टडी बाय द स्ट्रैसबर्जर, किसने अध्ययन किया था, तो स्ट्रैसबर्जर
बर्जर ने अध्ययन किया था निषेचन का। परिभाषा के बाद ये लिखिएगा बॉक्स बना के, फिर उसका अध्ययन पहले भी लिख सकते हैं कि स्ट्रैस बर्जर ने इसका अध्ययन किया था। पढ़ने आ रहा है स्ट्रैस बर्जर नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का स्टडी किया था कैमेरियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो वो अलग है, नहीं ये स्ट्रैस बर्जर ने किया था। उसके बाद में क्या होता है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फिगर बनाएंगे इसका। फिगर में देखिएगा कि किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो नीचे वाला पार्ट जो है ओवरी फुला हुआ पार्ट है, सोलेन पार्ट है बेचारा, और इसमें जो है स्टिग्मा पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन। देखिए ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर ओभम होते हैं, मतलब बीजांड, इसको हम लोग बीजांड बोलते हैं, बीजांड के अंदर ओभम पाए जाते हैं। इसमें अब क्या होता है, निषेचन किस प्रकार से होता है, जब परागकण स्टिग्मा पर वर्तिकाग पर पहुंचता है तो परागकण वृद्धि करता है, परागकण में वृद्धि होगा तो क्या बनेगा जी, पढ़े हुएगा पराग नलिका का निर्माण होता है एवं नर युग्मक का निर्माण होता है। तो पराग नलिका वृद्धि करते करते क्या होगा, जब पराग नलिका वृद्धि कर जब बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाता है, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाता है तो नर युग्मक, ये पराग नलिका का फॉर्म होगा, पराग नलिका मतलब पॉलन ट्यूब, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। जब नर युग्मक जब पराग नलिका प्रवेश करता है बीजांड के अंदर तो उसमें क्या होगा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक मिलेगा एवं जाइगोट का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन जब निषेचन होता है पराग नलिका, देखिए एक और क्वेश्चन, पराग नलिका जब युग्मक का स्थानांतरण, नर युग्मक का स्थानांतरण पराग नलिका के माध्यम से होता है तो उसे हम लोग कहते हैं साइफोनोगैमी। देखिए साइफोनोगैमी कहते हैं इसको, याद करिएगा साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी का मतलब हो गया ये जिम्नोस्पर्म पौधा में भी होता है और एंजियोस्पर्म पौधा में भी होता है, पराग नलिका से ही मतलब गैमिट का स्थानांतरण होता है, इसे साइफोनोगैमी कहते हैं। एक और आइए इसमें, अब क्या है कि पराग नलिका बीजांड के अंदर तीन प्रकार से प्रवेश करते हैं, पहला प्रोगैमी, मीजोगैमी, तीन प्रकार से प्रवेश करेंगे तो तीनों का नाम क्या क्या कहते हैं, प्रोगैमी, मीजोगैमी एंड कैलेजोगैमी। अब देखिए प्रोगैमी का मतलब क्या हुआ, मीजोगैमी, प्रोगैमी जब पराग नलिका बीजांड के माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है, किससे प्रवेश करता है, माइक्रोपाइल से, बीजांड में माइक्रोपाइल छिद्र होता है, जो सीड में देखे हुएगा चना का भी सीड दिखेगा, मुड़ा रहेगा, जब फूल जाएगा स्वेल कर जाएगा तो उसको देखिएगा हल्का मुड़ा हुआ पार्ट रहेगा, जैसे ही मुड़ा हुआ पार्ट में देखिएगा वहीं पर छिद्र दिखाई देता है जिससे जल एवं वाटर, मतलब जल वाटर एवं एयर दोनों प्रवेश कर रहा है इस छिद्र के माध्यम से। तो पराग नलिका अगर माइक्रोपाइल के माध्यम से प्रवेश कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोगैमी कहते हैं। प्रोगैमी का एग्जांपल हो जाएगा लीली, मोस्ट कॉमन होता है ये। अब उसके बाद दूसरा देखिएगा मीजोगैमी, मीजोगैमी में क्या होगा कि पराग नलिका का प्रवेश किस प्रकार से होगा, पराग नलिका बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर इंट्यूगमेंट से प्रवेश करता है। इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट का मतलब होता है अध्यावरण, उसका जो बीजांड का जो छिलका है बाहरी आवरण है उसी अध्यावरण से प्रवेश करता है तो उसे हम लोग कहते हैं मीजोगैमी कहते हैं। कौन कैमी कहते हैं हम लोग जी, मीजोगैमी कहते हैं। उसमें जो है कुकरबिटा पौधा आ जाएगा और कैलेजा, पराग नलिका का प्रवेश बीजांड के कैलेजा के छिद्र से होता है, कैलेजा से प्रवेश करता है, छिद्र नहीं कैलेजा से प्रवेश करता है तो कैलेजोगैमी कहते हैं। तो तीन प्रकार से पराग नलिका प्रवेश करता है, कैसुरियना इसका जो एग्जांपल हो जाएगा। अब आइए इसी में पढ़ना हम लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के बारे में हुआ, इसी में हम लोग आप और लिखिएगा डिस्क्राइब कीजिएगा तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें तो देखें प्रोगैमी, मीजोगैमी, कैलेजोगैमी, आइए डिस्क्राइब कीजिएगा किस प्रकार से कि डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, क्योंकि पराग नलिका पॉलन ग्रेन से कितना बन रहा है, पराग नलिका पर जब पॉलन ग्रेन परागकण विकसित करते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं और दो नर युग्मक, दो मेल गैमिट बनाते हैं। तो दो नर युग्मक, पहला मेल गैमिट तो ये हो गया, तो दूसरा मेल गैमिट क्या काम करता है, देखिए दूसरा जो मेल गैमिट होता है
वह सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो पढ़े थे पोलर न्यूक्लियाई, मतलब पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन करता है और इंडोस्पर्म भ्रूण कोश का निर्माण करता है। पूछेगा कि भ्रूण कोश का निर्माण करता है बार बार, तो कैसे हुआ कि भाई इसी प्रक्रिया को, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया दो बार होती है, निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है, इसी को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलकर इंडोस्पर्म भ्रूण कोश का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे जाएंगे कि द्विनिषेचन का खोज किसने किया था, तो नवासिन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। नवासिन याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया था, द्विनिषेचन का खोज किया था। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, आइए, या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए तो नर युग्मक, नर युग्मक क्या होता है, हैप्लॉयड अगुणित होता है, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है, इन प्लस एन दो ठो केंद्रक है, दोनों मिलता है, इन प्लस एन जब मिलेगा तो थ्री एन हो जाएगा। तो बार बार पूछेगा कि त्रिगुणित कौन होता है, तो भ्रूण पोष। एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि भ्रूण पोष त्रिगुणित, बार बार बताते रहते हैं आप लोगों को और परीक्षा में आप लोग बार बार भूल जाते हैं, इस बात को बड़ा दुख लगता है। इस पर आप लोग एकदम फोकस करके रखिएगा कि भाई भ्रूण पोष जो होता है वह त्रिगुणित होता है, इसीलिए देखिए नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं या त्रिलयन शयन त्रिसंलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, त्रिसंलयन कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब आइए इसी में डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व, अब पूछेगा भाई इसी में लिखना होगा आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व, तो देख ही रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व। पहला क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष का निर्माण या भ्रूण पोष का निर्माण करने में सहायता कर रहा है। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा जी, हेल्दी सीड, हेल्दी सीड बना रहा है, हेल्दी सीड्स मतलब स्वस्थ बीज के निर्माण में भी सहायता करता है। इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ना था इंडोस्पर्म, आइए हम लोग इंडोस्पर्म पढ़ते एक और टॉपिक क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं इंडोस्पर्म, और जो है तो इसको समाप्त करते हैं इंडोस्पर्म पढ़ने पर। आइए तो इंडोस्पर्म में क्या है, किसे कहेंगे इंडोस्पर्म, नहीं भ्रूण पोष किसे कहेंगे, आइए हम लोग उसको हेडिंग को देखें, इंडो स्पर्म भ्रूण पोष, भ्रूण पोष को हम लोग इसमें देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो है इंडो स्पर्म भ्रूण पोष, तो क्या है भ्रूण पोष किसे कहेंगे, तो परिभाषा कैसे लिखेगा, भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है जो नर युग्मक एवं द्वितीय केंद्रक के मिलने से, सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब द्वितीय केंद्रक के मिलने से निर्माण होता है, और जो पोषण प्रदान करता है, जो पोषण प्रदान करता है, भोज्य पदार्थ का संग्रह भी करता है, द्वितीयक केंद्रक से संयोग करता है, तो भ्रूण पोष पोषण प्रदान करता है। दूसरा इसमें हो गया भ्रूण पोष के बाद, तब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म, क्या पढ़ेंगे हम लोग जी दूसरा टॉपिक, इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। तो टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म का मतलब भ्रूण पोष कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, न्यूक्लियर टाइप केंद्रीय भ्रूण पोष, सेलुलर टाइप कोशिकीय भ्रूण पोष कोशिकीय, सो बोलेंगे हम लोग कोशिकीय भ्रूण पोष। दूसरा हेलोवियल भ्रूण पोष, तो तीन प्रकार के भ्रूण पोष को हम लोग को पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर टाइप भ्रूण पोष, आइए हम लोग न्यूक्लियर टाइप भ्रूण पोष में हम लोग देखें कि किस प्रकार से भ्रूण पोष बनते हैं न्यूक्लियर टाइप में। आइए इसका हम लोग फिगर देखते हैं न्यूक्लियर टाइप का। सबसे पहले देखिए कि ये भ्रूण कोष है, भ्रूण कोष में एक जाइगोट भी बना था, दूसरा बना था जो इंडोस्पर्म बना था, इसको बोलते हैं
प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस, पेन बोल रहे हैं ना, पी ए लिख रहे हैं पेन, तो पेन का मतलब है यहाँ पर पी से प्राइमरी, ई से इंडो स्पर्म न्यूक्लियस। इस प्रकार से प्रेम इस प्रकार के केंद्रकीय भ्रूण कोष में प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक मतलब प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस विभाजित होता है एवं अनेकों केंद्रक का निर्माण करता है, अनेकों केंद्रक का निर्माण करता है। देखिए इसी में वैक्यूल बन जाएंगे, बहुत सारे बनेंगे और इसी के बीच में वैक्यूल बन जाएंगे, अनेकों केंद्रक हो गए, ये सब केंद्रक हो गए, अनेकों केंद्रक का निर्माण करता है। बाद में पहले केंद्रक का, केंद्रकीय भ्रूण कोष में क्या होता है, पहले केंद्रक का निर्माण होता है, बाद में ध्यान से सुनिएगा कि बाद में ये तो हो गया आपका जाइगोट से बना था एम्ब्रायो, ये डेवलप करते चलेगा बेचारा, और बाद में केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है जी, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो कैसे निर्माण होगा केंद्रक के चारों, देखिए ये हो गया केंद्रक अपना कोशिका हो गया, ये चारों तरफ जो है क्या कर रहा है अपना केंद्रक, इसी में जो है केंद्रक के चारों डॉट डॉट दे जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर जो है इस प्रकार से जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग केंद्रकीय भ्रूण कोष कहते हैं, वीट राइस मेज में इस प्रकार को देखा जाता है केंद्रकीय भ्रूण कोष। क्या समझ में आया कि वीट राइस मेज में देखा जाता है क्या होता है, इसमें फिर से प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक विभाजित होता है और अनेकों केंद्रक का निर्माण करता है, मेनी न्यूक्लियाई फॉर्म करता है और बीच में वैक्यूल का निर्माण हो रहा है, और बाद में पहले केंद्रक का निर्माण होता है, बाद में केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के केंद्रकीय भ्रूण कोष में केंद्रकीय भ्रूण कोष का निर्माण होता है। आइए दूसरा हम लोग देखेंगे फिगर, दूसरा फिगर देखे, दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर कोशिकीय भ्रूण कोष, हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है सेलुलर में कि केंद्रक के निर्माण के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। आइए हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से भी रहेगा भ्रूण कोष में, प्राथमिक भ्रूण कोष जो है क्या होगा विभाजित करेंगे, ये तो होगा जाइगोट से अपना एम्ब्रायो फॉर्म कर रहा है, प्राथमिक भ्रूण कोष का केंद्रक विभाजित होकर नए केंद्रक का निर्माण करेंगे एवं साथ में कोशिका भित्ति का भी निर्माण होगा, सेल वॉल का भी निर्माण होगा, फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से डिवाइड करते चलेंगे, विभाजित केंद्रक इसका विभाजित करते चलेंगे और कोशिका भित्ति का निर्माण होते चलेगा। बाद में यह रूप जो है किस प्रकार से दिखाई देगा, ये जो इंडोस्पर्म है इंडोस्पर्म सेल्स इस प्रकार से फॉर्म करते हुए दिखाई इसमें देंगे, दिखाई दिए, और ये हो जाएंगे सेलुलर टाइप इंडोस्पर्म का फिगर, ये वाला फिगर हो जाएगा सेलुलर टाइप ऑफ इंडोस्पर्म का। तो ये भी धतूरा पौधा, धतूरा पौधा में हो जाएगा, धतूरा पौधा में, बालसम पौधा में, पिटूनिया पौधा में, इस प्रकार से धतूरा पौधा आप लोग देखे होइएगा, धतूरा जो चढ़ता, धतूरा का फ्लावर जो है चढ़ता है शंकर जी पर, आप लोग खूब देखे होइएगा। इस प्रकार से जो है सेलुलर टाइप इंडोस्पर्म जो है कोशिकीय